सुपर फेमस कॉमिक बुक आर्चीज, जिसकी फिल्म पर बहुत लंबे टाइम से काफी ज्यादा बज बना हुआ था, और बज होता भी क्यों नहीं, आखिर जोया अख्तर ने जो इसे डायरेक्ट किया है। तो वेल गाइस, फाइनली इसका ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। पीपल हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू आर्चीज एक और रीजन से भी, अगर आपको ना पता हो तो वो रीजन है कि इस फिल्म से 3 स्टार किड्स का डेब्यू होने वाला है। वन है सुहाना खान, सेकेंड इज खुशी कपूर एंड थर्ड इज अगस्त्य नंदा। तो फाइनली आर्चीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड इट हैज अ यंग एंड वेरी हॉलीवुड टाइप वाइब। तो चलो बताती हूँ आखिर क्या क्या देखने को मिला है हमें इस छोटे से ट्रेलर में। तो अभी तक फिल्म के पोस्टर, टीजर और कुछ गानों को बहुत ही ज्यादा लोगों ने पसंद किया था, अच्छा रिस्पांस भी मिला था, और क्योंकि ये जोया अख्तर की फिल्म है तो होप स्टार्टिंग से ही हमारी काफी ज्यादा थी। अब बात करूँ इस ट्रेलर की, तो ये ट्रेलर आपको 60s के एरा में ट्रांसपोर्ट कर देता है, पूरी तरह से कर देता है, जहाँ सभी के सभी कैरेक्टर्स का लुक, उनके कपड़े, उनके हेयर स्टाइल बिल्कुल उसी टाइम के है, इसलिए आपको रियलिटी काफी ज्यादा लगती है। ट्रेलर में सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा के बीच में कुछ लव ट्राइंगल दिखाने की भी कोशिश की गई है, थोड़ा हिंट जरूर दिया गया है। वहीं सब फ्रेंड्स के बीच की मस्ती, दोस्ती और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के इस सीन में आने पर, यानी कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट बेसिकली सीन में आता है और ग्रीन पार्क में कुछ बड़े चेंजेस करने लगता है, जिसकी वजह से सबकी फ्रेंडशिप पर काफी ज्यादा इफेक्ट होता है और दरार आने लगती है। तो ये सब कुछ भी दिखाया गया है इस छोटे से ट्रेलर में। इस ट्रेलर में खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है एंड वो अपने रोल में ऑनेस्टली अच्छे लगते दिखाई भी दे रहे हैं। वहीं सुहाना खान की अगर बात करें तो शी इज डेफिनेटली लुकिंग हॉट इन द ट्रेलर, बट ट्रेलर से उनके कैरेक्टर पर हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रेलर में बहुत सीन्स उनके फिलहाल है ही नहीं। बाकी कास्ट की बात करूं तो वो भी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। अभी कुछ ही देर पहले नेटफ्लिक्स ने इसका ट्रेलर रिलीज किया है और आर्चीज की पूरी टीम ने इसे शेयर भी किया है और अभी तक तो इसे काफी बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिलता जा रहा है। बाकी फिल्म रिलीज होगी 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही। जिस तरह से कुछ लास्ट प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स स्पेशली लेकर आया है, कोई सीरीज की बात करें या कोई फिल्म की बात करें, तो उससे तो डेफिनेटली लग रहा है कि दी आर्चीज हमें डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। बाकी जोया अख्तर की है एंड इट हैज बीन अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर जोया अख्तर एज वेल। और अगर बात करें यहाँ पर सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा की भी, तो उनके लिए भी एक इनिशियल टेस्ट से कम नहीं है। वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई क्वाइट लाइक द ट्रेलर, जिस तरह से बनाया गया है बहुत बढ़िया लगा है। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो हाउ डू यू लाइक इट। और अब क्या आप लोग भी वेट कर रहे हो 7 दिसंबर का इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसी तरह से हर रिव्यू के लिए, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए ईएनटी लाइव।